एनआईए ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मदुरई क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कैसर को हिरासत में ले लिया है। एनआईए ने उन्हें तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पझानी से हिरासत में लिया है। बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए मंगलवार को तमिलनाडु के कुछ जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एनआईए कोयम्बटूर, मदुरई, थेनी जैसे जिले में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा चेन्नई, ओटेरी और थिरुवोट्टयूर में भी छापेमारी की जा रही है। वहीं एनआईए इस तरह की छापेमारी जम्मू कश्मीर में भी कर रही है। ये छापेमारी टेरर फंडिंग केस में की जा रही है। बताते चले कि एनआईए जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। इनमें श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ शामिल है। मामला फिजिकल और साइबर स्पेस दोनों में साजिश रचने और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों द्वारा स्टिकी बम, आईईडी और छोटे हथियारों के साथ जम्मू और कश्मीर में हिंसक आतंकवादी हमलों की साजिश से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी एनआईए ने पीएफआई से जुड़ी 17 जगहों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी अप्रैल में की गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।